मुकदमात ना बनाए जाए, मुकदमात बनने हैं, लेकिन किस इदारे के पास केस जाना है, नैब या एफआईए में से, अभी उसका फैसला होना बाकी है। क्या आपको लगता है कि ये लॉजिकल कंक्लूजन तक जाते हुए मामला नजर आएंगे आगे चलकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें नीलम, आपने अभी जो है उसके बताया जो शहजाद अकबर है, तो उसको कहते हैं इल्जाम अकबर, क्योंकि जब से इल्जाम अकबर साहब अपने ओहदे पे आए हैं, इन्होंने सिवाय प्रेस कॉन्फ्रेंस के और कोई काम नहीं किया या फॉरन विजिट किए हैं। इल्जाम लगाना तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपसे भी अभी एक महीने जो है लगा सकता हूँ, किसी और भी लगा सकता हूँ, आप भी लगा सकते हैं, लेकिन साबित करना एक और चीज़ है। जब वो साबित करेंगे, जब वो आ जाएंगे, क्योंकि अब तक जो इन्होंने हमारे हुकूमत के खर्चे से जो इन्होंने विजिट किए हैं, जो बाकी चीजें की हैं, और जो रिपोर्टें जो एक लेके आ रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जो मीडिया उनको कवर कर रही है, अब तो ये है कि स्टेट मीडिया उनको भी टाइम दे जिनके खिलाफ आप इल्जाम लगा रहे हैं, ताकि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी पेश कर सकें। लेकिन आज तक तो इल्जाम लगा चुके हैं, अभी देखते हैं कि आगे वो क्या साबित कर सकते हैं। हर दफा वो आते हैं कि मैं इतना बड़ा और इम्पोर्टेंट केस लेके आया हूँ, लेकिन जब अदालत में जाते थे उनके पास कुछ चीज़ होती। आप देखें माजी में, अगर आप, मैं पीपल्स पार्टी की बात करूंगा, आपने जरदारी साहब को, फरियाल तालबूर साहब को, पार्टी के बाकी हमारे लोगों को जो है आपने गिरफ्तार किया, आपने उनके ऊपर कोई रेफरेंस जाहिर नहीं कर सके और उनकी जमानत हो सकी। आज आप देखें खुशी शाह साहब के ऊपर कोई रेफरेंस जाहिर नहीं है और वो ये नहीं, लेकिन जब हुकूमत के लोगों के ऊपर रेफरेंस आता है तो फिर फ्रांस में कई चीजें। अब एक पंजाब के वजीर ने तो इखलाकियात, वो कहते हैं मैंने इखलाकियात की भूमिका सख्ती कर ली है, क्या केपी के वजीर अला, पंजाब के वजीर अला, वजीर आजम साहब में इखलाकियात नहीं है कि वो इस्तीफा दे दें? क्योंकि माजी में तो ये हमें सबक सिखाते थे कि इखलाकियात का दर्स देते थे, बड़े बड़े लेक्चर देते थे, बड़े बड़े आलम बने हुए थे हमारे लिए कि इखलाकियात ये कहती हैं और इखलाकियात वो कहती हैं। आज वो इखलाकियात तो या तो कहते कि इखलाकियात इनके पास है नहीं, या तो कहेंगे नहीं। हम तो जब इल्जाम लगते थे तो कहते हैं इनको ये अरेस्ट करें और अपने आप को बेगुनाह साबित।